तिवारी जी, तिवारी जी, आप हो गए आप? कहीं नहीं भाभी जी, बस यहीं थे, वो थोड़ा रास्ता सा भटक गए थे। अरे कहाँ का रास्ता भटक गए थे? हाँ, जंगल सी है तेरी आंखें, जिनमें अक्सर डूब जाया करता हूँ मैं। तिवारी जी क्या हुआ, आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? हाँ? क्या हो गया, कहाँ डूब गए आप? नहीं भाभी जी, कहीं नहीं, बस यही है, आपके आपके आसपास। आपने क्यों बुलाया हमें भाभी जी? हाँ, वो क्या है ना तिवारी जी, दरअसल मुझे आपसे एक काम था। जी बिल्कुल, फरमाइए क्या काम था। वो आपके एयरलाइंस में मुझे भी जॉब दिलवाइए ना। आप मतलब आप भी उड़ना चाहती हैं? हाँ, आप उड़ सकते तो हम क्यों नहीं उड़ सकते? भाभी देखिए क्या है कि आप ऊपर आसमान में रहेंगी तो यहाँ पर भभूति जो है धरती पर रहेंगे, एक छुट्टे सांड की तरह वो इधर उधर मुंह मारते फिरेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। मेरी लाडो, मेरी बच्ची, कैसी हैं? हम ठीक बा डैडू, हम आपको इतने दिनों बाद देख रहे, दूठो लॉकडाउन निकल गया, आपका शकल ना आई देखे कैसे बा? बेटा दोनों लॉकडाउन में मैं लॉकअप में ही था। वो एक पड़ोसन ने छेड़छाड़ की FIR लिखवा दी, तो बड़ा वो, खैर वो जाने दो, जो भी है। ये बताओ कि वो अपना कच्चा बनियान कहीं दिखाई नहीं दे रहा, खोखे पर क्या है क्या? सॉरी डैडू, लेकिन अब आप उनको कच्चा बनियान ना ही बोलिए। तो फिर क्या बोलूं उसको, पैंट शर्ट बोलूं, धोती कुर्ता बोलूं, कच्चा बनियान को कच्चा बनियान ही बोलूंगा ना? नहीं नहीं, अब आप उनको मनमोहन कप्तान मनमोहन तिवारी बोलिए। मतलब मोहल्ले की वो खो-खो की टीम का या गुल्ली डंडे की टीम का कप्तान उप्तान बन गया क्या? नहीं भाभी जी, कहना चाह रही हैं कि शेर कीचड़ में फंसा हुआ है और कुत्ते रबड़ी खा रहे हैं। बच्ची मैं कुछ समझ नहीं रहा, ये हो क्या रहा है? मतलब ये मनमोहन तिवारी के कोई सुर्ख आपके पर निकल आए हैं, या फिर वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उसका फूफा निकल आया, हो क्या रहा है ये? दीजिए ओ ना, लेकिन के भैया प्लॉट, अरे प्लॉट खरीदा 100-200 गज का प्लॉट क्या खरीद लिया कच्चे बनियान ने, कि दिमाग खराब हो गया उसका? बड़े कम ज़र्फ होते हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, और बड़े कमीने होते हैं वो लोग जो अपनी औकात भूल जाते हैं। अमर बेहया, भाभी इज नॉट मर बेहया, वो मर बेहया ही कहना चाह रही है। और ज्यादा खुशफहमी ना पाले, वैसे शेर अच्छा पढ़ लेते हैं, ये लीजिए 5 रुपया डबल रोटी खरीद लीजिएगा, क्योंकि सारा दिन रिक्शा चला के जो कमाते होंगे उससे तो सब्जी भी नहीं खरीद पाते होंगे। अच्छा बजान, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये जो कपड़े पहन रखे हैं, मतलब कोई बैंड की कंपनी ज्वाइन कर ली है क्या? नहीं डैडू, आपको बता तो रहे थे कि लड्डू के भैया ना अब पीलॉट हो गए हैं। पीलॉट पायलट कहना चाह रही है। सही पकड़े हैं, जहाज उड़ाते हैं, जहाज बादलों के ऊपर। ये बिल्कुल सही फरमाया इसने। मतलब तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि इस समय जो मेरे सामने खड़ा है वो एक फ्रॉड है? जी नहीं, सीसीक्यू मसकली एयरलाइंस का पायलट हूँ। पायलट? जी। और तुम? जी। अरे जाओ जाओ यार जाओ, ये मुंह और मसूर की दाल। ठीक बोल रहे डैडू, ये जहाज उड़ाते हैं अब। अरे कैसी बात करती है तू अंगूरी, मैंने आज तक कभी कच्चा बनियान को साइकिल चलाता नहीं देखा, और ये जहाज चलाएगा? जहाज चलाने वाले कभी साइकिल नहीं चला पाते, और साइकिल चलाने वाले कभी जहाज नहीं चला सकते। मैम मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि वो इतनी ऊंचाई पे जहाज उड़ाते हैं, उन्हें डर नहीं लगता? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैप्टन तिवारी, ओवर टू यू। वेल, दरअसल हमें ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता है कि जब हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं तो प्लेन में उपस्थित सभी लोगों की जान की जिम्मेदारी हमारी होती है। ऑफ कोर्स। तो जब हमें उनकी जिम्मेदारी लेनी होती है तो फिर इसमें डर काहे का, डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एब्सोल्युटली नो फियर भाभी जी।
Wow, how brave, Captain Tiwari. जी. Okay, अगला सवाल कौन करेगा? हाँ? शिवम तुम करोगे? Go for it. सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अगर जहाज उड़ाते उड़ाते अचानक कॉकपिट में चिपकली घुसा है तो आप क्या करेंगे? हम छिपकली से सवाल पूछेंगे कि वेयर इज योर टिकट एंड पासपोर्ट. जी, am I right, भाभी जी? He's in a funny mood. जी. Very nice. Okay, कैप्टन तिवारी, हमारे कुछ स्टूडेंट आपसे तकनीकी सवाल भी पूछना चाहते हैं. So, पूजा, you wanted to ask, right? Yes, पूजा, go for it. पूछिए अपना सवाल. अरे यार, भाभी जी अनजाने में ही सही, लेकिन पूरी तरह से हमारी बैंड बजाने के चक्कर में है. Yes, पूजा, go for it. मैम, मेरा भी एक सवाल है. What is a black box? अबे ये ब्लैक बॉक्स क्या बला है? That's right. It's interesting. What is black box? Black box क्या है? हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं. अरे यार, अब हमें क्या पता? Actually, black box is like a magic box. Oh really? Wow! What an amazing answer! So black box is like a magic box, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट के सारे सीक्रेट्स छुपे हुए, right? जी जी जी. ऐसे इंसान के जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके पास उसके सारे राज होते हैं. ऐसे ही ब्लैक बॉक्स के पास प्लेन के सारे राज होते हैं. जी. Yeah, sounds about right. Okay. अब अगला सवाल कौन करना चाहेगा? छोटी, go for it. यस मैम, यस. मेरा सवाल है मैम कि अगर जहाज उड़ते वक्त जहाज पंचर हो जाए तो आप वो पंचर कैसे ठीक करोगे? छोटी ने बहुत मोटा सवाल किया. कैसे ठीक करेंगे आप ऐसा पंचर? या यू राइट. ठीक वैसे ही जैसे धरती पर करते हैं, जैक लगा के. पर सर, हवा में कैसे जैक लग सकता है? हवा वैसे ही लग सकता है जैसे जैसे हवा में पंचर हो सकता है. अच्छा, अगर इस इंटरव्यू में पास हो जाती हूँ ना तो मेरी एयर हॉस्टेस की नौकरी पक्की ना? देखिए, चिंता मत करिए रूसा जी, घर का पायलट है, अपना बच्चा है. अगर इस इंटरव्यू में पास हो जाती हूँ ना तो मेरी एयर हॉस्टेस की नौकरी पक्की ना? देखिए, चिंता मत करिए रूसा जी, घर का पायलट है, अपना बच्चा है. कमीज के पजामे में रह, समझा? सॉरी. देखिए, ऐसा है कि CCQ मसकली एयरलाइंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हमें आपके साथ एक रैपिड फायर क्वेश्चन खेलना होगा. और अगर आपने सारे जवाब सही से दे दिए तो फिर मैनेजमेंट आपको नौकरी देने के विषय में सोचेगी. Really? I'm a little nervous. Easy questions पूछना प्लीज. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Okay. हाँ तो शुरू करें बेटे. हाँ, चलो भैया. करे करे करे. आपका नाम? रूसा. हाँ. बाप का नाम? मूसा. माँ का नाम? ग्रूसा. बिजनेस? हम बेचते हैं भूसा. गांव? विदूसा. घर में पलने वाली बिल्ली का नाम? पूसा. अगर आपको कोई छेड़ तो क्या देंगी? घुसा. ओ, सासू का उल्टा? सूसा. एक साथ 10 रोटियां मुंह में घुसेड़ने को क्या कहेंगी? ठूसा. वाह, क्या दिमाग है चूसा. क्या बात है, आपने सारे के सारे उत्तर एकदम सटीक दिए हैं. तालियां, तालियां, तालियां. आई एम सो एक्साइटेड. मतलब मैं इस इंटरव्यू में पास हो गई, अब मेरी एयर हॉस्टेस की नौकरी पक्की ना? देखो रूसा, अभी हमारे HR डिपार्टमेंट से बात होगी, फिर मैनेजमेंट से बात होगी, वो जो कहेंगे वो होगा. Still, it's a good news for me. तो ये गुड न्यूज ना मैं अपनी दीदी और जीजू को सुना कर आती हूँ. थैंक यू सो वेरी मच. कांग्रेचुलेशंस. अबे लौंडो. हाँ बोलो. अबे मैं लगी है सूसा. चलो यार. अबे ओ, हमारे समोसे के पैसे कौन देगा? परेशान क्यों हो रही है? एक बार हमारी रूसा की नौकरी लग जाए
फिर तेरा ठेला खरीद के तुझे नौकरी पे रखेंगे। चलो भाई। अबे वैसे भी नमक कम है तेरे समोसों में। अबे ओ अम्मा, कहा है ना कि तुम समझ नहीं रही हो, ये जो है घर की पंचायत का मामला नहीं है, देश विदेश में प्लेन लेकर जाना पड़ता है, समझा करो। तो क्या हुआ, हम भी तो देश विदेश ही जाना चाहते हैं ना। अरे पगली, तुमको पता ऊपर जो उबड़ खाबड़ रास्ता होता है। अच्छा, हमरी तो सकल पे बॉडम लिखा है ना, वहाँ कहाँ से सड़क आया, वहाँ तो बादल ही बादल होते हैं। तो बादलों के बीच में ही तो ऐसे ऐसे रास्ता बनाना पड़ता है। देखिए देखिए अम्मा जी, देखिए। हाँ, और वो रास्ता बनाने के लिए वो गिट्टी पत्थर और डामर तो तू ही लेकर के गया था, है ना? अम्मा ये सब क्या कह रही हो तुम? अरे बैल, हमरे और बहुरिया के माथे पे का पागल लिखा है। अरे हमने कब कहा अम्मा, फालतू की बात करती चल जा रही हो। बिल्कुल ठीक बोल रही है, हम तो कभी सड़क ना ही देखे ऊपर। अम्मा जी आप देखिए का। बहुरिया तू एक फालतू बात में ध्यान मत दे। अब बैल तू ध्यान से सुन हमारी बात। अगर हमारी बहुरिया को तू घुमाने नहीं लेकर के गया ना, तो हम तुम्हारे उड़ते प्लेन का टायर से झूल जाएंगे, समझा? ठीक बा, प्रणाम कर रहे हैं। धुआं कहाँ से आ रहा? अरे मोहल्ले में आग लग गई रे। आग कैसे लग गई? अरे सॉरी, आप लोगों को डिस्टर्ब किया मैंने, लेकिन अब डिस्टर्ब कर ही लिया है तो आने का मकसद ही बता देती हूँ। जी बिल्कुल भाभी जी, बताइए आने का क्या मकसद है? तिवारी जी, आप पायलट बन गए, इसकी खुशी में हम आपके ऑनर में एक डिनर होस्ट करना चाहते हैं, तो आप आएंगे ना? भाई क्यों नहीं, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। हाय दिया, जरूर आएंगे अनीता जी, जरूर। ग्रेट ग्रेट, तो आज शाम को मेरे घर पर डिनर पर मिलते हैं फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच एंड कंटिन्यू। जी भाई जी, बैठो पगली बगल वाली सीट पर। नहीं, अब हवाई जहाज पे चलते, सोफे पे नहीं। अरे तेरी। वैसे हुआ क्या था? डॉक्टर साहब क्या हुआ कि मैं ना किचन में कोफ्ते बना रहा था, कद्दू के कोफ्ते, अन्नू को बड़े पसंद है, लेकिन उसको ज्यादा ब्राउन करो, ज्यादा ब्राउन कोफ्ते पसंद नहीं है उसको। कद्दू के कोफ्ते? भैया काफी दिन हो गए मुझे कद्दू के कोफ्ते खाए, कभी खिलाइए मुझे। अरे भैया मैं कमाल बनाता हूँ डॉक्टर साहब, भेजूंगा रेसिपी आपको, बनाइएगा। अबे ओ डॉक्टर, एक दिन मैं तुझे लौकी के कोफ्ते खिलाऊंगा। ये कमाल बनाता है लौकी के कोफ्ते, भाई को इसने सिखाया मुझे लौकी के कोफ्ते खाना, ये तो लेजेंड है, पायनियर है, पायनियर। प्रेम भैया यार, आपकी शादी में है ना वो कद्दू की सब्जी और पूरी क्या जबरदस्त बनी है, थी स्वादिष्ट। क्या बात है यार टीका, तूने कौन सी बात छेड़ दी भैया, कसम खा के कह रही हूँ प्रेम भाई, क्या कद्दू की सब्जी थी, अब तक पानी मुंह में स्विमिंग कर रही है। अबे ओ, मेरे ससुर का खाने पीने का बिजनेस है, ऐसी 7 दुकानें हैं उनके पास। उनके ससुर है ना, घासलेट हलवाई है। घासलेट यार, कभी बालूशाही खिलवाओ यार, बड़ी पसंद है बालूशाही यार। उस बालूशाही में ना मिर्ची भी डलवा दो थोड़ी। अदू क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? यहाँ मेरी तबीयत खराब है और आप लोग क्या रेसिपी पे रेसिपी डिस्कस किए जा रहे हो? ओह आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी, ये डॉक्टर साहब मेरा ध्यान भटका रहे हैं यार। तांत्रिक नुमा डॉक्टर से डॉक्टरी के अलावा सारी बातें करवा लो। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी घर पर है लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाय दिया, क्या हुआ नीता जी, यू आर नॉट फूलिंग बैल? भाभी जी आजकल बैल तो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, आप फीलिंग बैल कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। वो पता नहीं, मैं किचन में थी, अचानक बेहोश हो गई मैं। इस सब के जिम्मेदार आप हैं, आप ही ने भाभी से झगड़ा किया होगा, क्योंकि आज झगड़ा आपने भाभी जी के साथ। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, जस्ट शट योर बोन बॉक्स। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ सुनिए, मैंने कोई झगड़ा वगड़ा नहीं किया अनु के साथ, और बाय द वे अगर मैंने किया भी है तो शी इज माई वाइफ, ओके, शी इज माई बिलवेड वाइफ, यू हैव अ प्रॉब्लम? नहीं बरबूति जी, ये बात गलत है, इतना भी झगड़ा नहीं करना चाहिए अपनी बीवी के साथ, क्यों बिस्तर पकड़ ले? हाँ भाभी जी, सौरभ दी, मैंने कोई झगड़ा वाला नहीं किया। हाय दिया, इलेक्ट्रिक के भैया तो हम सबको धोखा दिए, सबको। कहाँ सोच रहे थे हम कि वो जहाज के ड्राइवर हैं,
वो कच्चे बनियान जैसे जलील धंधे का जो कलंक है उनके माथे से मिट जाएगा। सब हमरे अरमानों पर पानी फेर दिए, बहुत हॉट हो गए, बहुत हॉट। जाइए, हमको आपसे बात ही नहीं करना है। आप एक नंबर के फ्रॉग है, फ्रॉग। ना ना ना, मेंढक ना कहो पगली। मेंढक मेंढक तो सामने वाले घर में रहता है। क्या तुम फ्रॉड कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं आप, बहुत बड़े धोखेबाज हैं आप। अरे नहीं पगली, तुम समझा करो। ये तो हमने इसलिए किया ताकि ताकि भाभी जी का दिल ना टूटे, और भाभी जी के दिल में जो एक पायलट के अरमान थे वो किसी तरह से पूरे हो जाए पगली, बस वही। और हम जो सपने देखे थे ऊका का, हम देखे थे कि हम जहाज में आपके बगल वाली सीट पर बैठे हैं और देश विदेश घूम रहे हैं। तो विदेश यात्रा पर तो हम तुम्हें अब भी ले जाएंगे ना पगली। चलिए जाइए, हमेशा ही हमको उल्लू बनाते हैं, बॉडम समझते हैं हमको। नहीं पगली, इस बार हम तुम्हें सच में विश्व भ्रमण के लिए लेके जाएंगे। सच्ची? बाल टियर पे? टियर नहीं पगली, टूर होता है, टूर। सही पकड़े हैं। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। मुच्ची? मुच्ची। चलो तनिक आंख बंद करो, हम तुम्हें ब्रह्मांड दर्शन पी लिए चलते हैं। मेरा नाम खदेड़ू नहीं, खचेड़ू है, खचेड़ू। हाँ ठीक है ना, मतलब खदेड़ू खचेड़ू सबका मतलब एक ही तो बनता है। जी नहीं, खदेड़ू मतलब ज्यादा खाने वाला, खचेड़ू मतलब खींचने वाला। ठीक है ना, अभी एक तो तुम्हारे फैमिली में ना क्या क्या नाम देते ना मेरे समझ में नहीं। वो तो छोड़ो, अब तक विभूति का पूरा मतलब क्या है मैं यही नहीं समझी हूँ। विभूति का मतलब होता है, अच्छा विभूति का मतलब होता है भभूति, जो वो हवन कुंड में होती ना, हवन कुंड में। और तुम्हारा और हवन कुंड का दूर दूर का कोई नाता नहीं है। बाय द वे तुम टॉपिक से भटक रही हो, आई एम स्टिल हर्ट एंड बैडली हर्ट। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं ना तुम्हारी जेब खर्ची दुगनी करती हूँ, लेकिन साथ ही मैं आदेश देती हूँ कि तुम्हें पेलू का रिक्शा उसे लौटाना होगा। मेरी जेब खर्ची ना दुगनी करो ना। दुगनी? तुम्हारी जेब खर्ची मैं पूरी की पूरी खर्च कर। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, दुगनी इज गुड फॉर मी, आई एम हैप्पी विद दुगनी। ओके डील? या डील। यार मेरा दिमाग भी नोट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रोजा को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा यार। वैसे तेरा मुंह दिखाने लायक है भी नहीं यार। यारो बा के सामने किरकिरी है जाएगी हम तीनों की यार। सारो को सारो इंप्रेशन, धरो को धरो रहेगा यार। तू इंप्रेशन की बात कर रहे हो दो कोड़ी के आदमी? हम बा को कामू दिखाएंगे सारे, वो हमारी तरफ देखेगी भी ना। यार टीका बिल्कुल सही कह रहे हो, जब आपका देन हुआ जी सोचो यार। दोस्तों मरता क्या ना करता, हमें झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे एक बात तो है यार। का बात पूछल? जोन से मोहब्बत है जाती है, वहां से झूठ नहीं बोलो जातो यार। मोहब्बत चीज ही ऐसी है मेरी जान, जो लगाए से ना लगे और बुझाए से ना बुझे यार। हाय बॉयज। हाय रोसा। चाय के साथ बिस्कुट लोगी कि भूसा? तेरे मुंह पे पड़ेगा एक घूसा। मेरे जॉब का क्या हुआ? आपकी जॉब? सॉरी रूसा जी, वो आपकी जॉब का कुछ हो ना पाया। बट व्हाई? अरे मेरा इंटरव्यू तो इतना अच्छा हुआ था, वो पायलट भी ना मेरा एकदम परफेक्ट इंटरव्यू देके ना चकरा गया होगा। अरे उस चक्रम को तो चकरा नहीं था, क्योंकि वो कमबख्त मारा पायलट ना था। और तुम तीनों को ये बात पता थी? ना 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 रूसा जी, हमें बिल्कुल भी पता ना है तो हमारे साथ धोखा है गो। और तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है? हाँ देखना इसका हर्ष बहुत बुरा होगा, मैं जीजा जी को बोल के ना तुम तीनों को जेल में बंद कराऊंगी। रूठ न जाना, तुमसे कहूं तो रूसा, हम इन आंखों में जो रहे तो रूसा।
रूठ न जाना तुमसे कहे तो रूसा इन आंखों में जो रहे रूसा। भाभी जी आपका ये बौड़मपना हमारी जान लेके जाएगा। आप क्या बोले? मैं क्या भाभी जी आप मुझे लगा कि आपने पौधों को पानी नहीं दिया आज आप भूल गई हैं। हम आज सुबह सुबह जल्दी उठकर पानी दे चुके हैं लेकिन हमको एक तो बात बताइए आप हमारे पौधों को लेकर इतना इमोशनल काहे हो रहे हैं? भाभी आपने इमोशनल का ही साइलेंट कर दिया इट्स इमोशनल। सही पकड़े हैं। भाभी जी मुझे लगा कि आज आपने पौधों को पानी नहीं दिया इसलिए। कहे ना कि हम बिना पानी पिए रह सकते हैं एक तो दिन लेकिन एक भी दिन हम अपने पौधों को पानी देना ना ही भूलते हैं। I know. आप जाएं काम करें। भाभी जी what a noble thought। आपकी इस बात से मैं पानी पानी हो गया। सेठ जी अगर तुम पानी पानी हो गए तो मोहल्ले में नल्लों की बाढ़ आ जाएगी। काहे बिचारे लड़कों को मार रहे हैं। रहने तो भाभी जी इनकी तो आदत है इन्होंने तो हम तीनों को ना ढोल समझ रखो है। तुम लोग कौन से दूध के धुले हुए हो? अंगूर ये क्या क्या राजकिशोर भाई कहिए। नहीं नहीं सोए नहीं थे जगे हुए थे जी। कहिए क्या बात करनी है जी। जी अरे क्या बताएं राजकिशोर भाई आपको सोचा नहीं था कि कभी सरकार की तरफ से ऐसा भी नियम आएगा। हमारे तो पूरे बिजनेस पे पानी फिर गया जनाब जी। अब पता नहीं गाड़ी कब पटरी पर आएगी कछु कह नहीं सकते बस यही है कि ये तुम उठ गई पगली का है? ये क्वेश्चन तो हमको आपसे करना चाहिए। क्वेश्चन नहीं पगली क्वेश्चन होता है। सही पकड़े हैं। काहे इतनी रात को यहाँ बैठे हैं? कुछ नहीं तनिक पेट में गैस बन रही थी टहल के आते हैं। लड्डू के भैया हम देखे हैं कि घास आपको तभी बनता है जब आप किसी बहुत ही तगड़े तानसेन में होते हैं। क्या परेशानी है? नहीं कुछ नहीं हुआ है पगली कुछ नहीं सब ठीक है जाओ तुम सो ही जाओ ना। नहीं नहीं कछु बात तो है ऐसे आप ना ही इतना हमको आपकी शक्ल से पता चल रहा है कि कछु बात तो जरूर है। हमने कहा ना पगली ऐसा कुछ नहीं। नहीं बात कछु है और बहुत ही सीरियस है। सीरियस नहीं सीरियस होता है पगली। सही पकड़े हैं बताइए हमको क्या बात है। तुम भी ना कभी कभी एकदम बच्चों जैसी जिद पकड़ लेती हो। हाँ आपको हमरे कसम बताइए। ठीक है आप कह रही तो बता देते हैं। ऐसा है पगली जब हमने अपना ही कच्छा बनियान का धंधा शुरू किया था ना तब हमने कुछ छक्का पंजा लड़ाकर इसे काफी अच्छे से जमा लिया था। इसीलिए आज पूरे कानपुर में लगभग 40% लोग हैं जो हमारा बना कच्छा बनियान पहनते हैं। तो बहुत अच्छा बात है। प्रॉब्लम का है? प्रॉब्लम ये है पगली की तनिक पैसा बचाने के चक्कर में हमने दुकान का नकली लाइसेंस बनवा लिया था। ऐसे हाई दैया बोलोगी तो कैसे चलेगा भाई हम वैसे से घबराए हुए हैं। ठीक बना ही बोलेंगे बोली बोली आके बोली। तो फिर क्या था अब सरकार ने एक ठो नई नियमावली निकाली है। कौन नियमावली निकाले है? वो है कि जितने भी दुकानदार हैं उनको अपना पुराना लाइसेंस सरकारी विभाग में जमा कराना पड़ेगा और नया डिजिटल लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ये तो बहुत अच्छा बात है। तुम भी ना एक नंबर की बॉडम हो। अगर हम पुराना लाइसेंस जमा करा देंगे तो क्या होगा हम पकड़े नहीं जाएंगे क्या? हाँ वो तो सोचे ना ही हम। हाँ तो इसलिए कहते तुम मत सोचो बिजनेस में अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ है कि तुम सिर्फ चौका चूल्हा संभालो जाओ। लेकिन आपको अकेला तो ना ही छोड़ सकते और धांगिनी है आपकी। हाँ हम कहा बोलते हैं कि आप वो कंडीशनर साहब से बात कीजिए ना। कंडीशनर नहीं कमिश्नर पगली। सही पकड़े हैं उनसे बात कीजिए। ठीक है उनसे बात करते हैं देखते हैं क्या बोलते हैं।
पेट में बड़ी तगड़ी गैस बनी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में कुछ जल रहा है। घोर आनंद, आनंद ही आनंद। बारी जी, जी जी, आप यहाँ आनंद लिए जा रहे हैं, वहाँ मेरा आनंद बेहोश हो गया है। आपका आनंद बेहोश हो गया? भाभी जी माफ कीजिएगा, आपने बताया नहीं कि आपका भी कोई आनंद है। कैसी फालतू की बकवास कर रहे हैं आप तिवारी जी। नहीं, अभी अभी आपने कहा ना कि आपका आनंद बेहोश हो गया है। नहीं, मैंने कहा विभू, विभू बेहोश हो गया है। देखिए भाभी जी, अब आप पलट रही हैं। आपने अभी अभी कहा कि आपका आनंद बेहोश हो गया है। तिवारी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा आनंद मतलब विभू बेहोश हो गया है। हर औरत का आनंद उसका पति होता है ना, वैसे विभू मेरा आनंद हो गया। जैसे आप अंगूरी जी के आनंद हो गए, वैसे तिवारी जी हमारा आनंद तो आप है। हाँ, क्या आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे? नहीं, हमने कहा कैसे कैसे बेहोश हो गए भभूति जी। मैं भी ना कहाँ फिजूल की बातों में फंस गई हूँ आपके साथ। हाँ, मेरा आनंद बेहोश हो गया और मैं। भाभी जी देखिए, क्या है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये सब ड्यूरेशन का खेल है। ड्यूरेशन? हाँ जी, मतलब टाइम, वक्त। भाभी जी, अब देखिए भाभी, इस दुनिया में हर चीज का, हर काम का एक ड्यूरेशन तय है। जैसे अभी हमारी और आपकी जो बातचीत हो रही है, इसका भी ड्यूरेशन तय है। भाभी जी, तिवारी जी प्लीज, आप ये ड्यूरेशन की बातों में मुझे मत फंसाइए। आप प्लीज डॉक्टर साहब के पास जाइए और उन्हें पूछे कि वो अब तक आए क्यों नहीं है। जाइए ना प्लीज। उसके आने का भी कोई ड्यूरेशन तय होगा भाभी जी। ये जलने की वो कहाँ से आ रही है? ये धुआं पेट की बड़ी आंत से उठ रहा है, इसका भी ड्यूरेशन तय था भाभी जी। जी, हेलो भाभी जी, कहाँ रह गए आप डॉक्टर साहब? हाँ भाभी जी, थोड़ी देर तो हो गई। कैसे हैं विभूति भैया? आप चलिए पहले देखिए आप। जी, हम भी आ रहे हैं। विभूति भैया की नब्ज ही नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। कितना तो नहीं बोल गए? चुप रहिए आप। नहीं सॉरी, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना भाभी जी, हमने कहा बोला। अरे भैया, मैंने कब कहा कि विभूति भैया टेबल गए? मैं तो कह रहा था विभूति भैया की नब्ज नहीं मिल रही, लेकिन मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। नब्ज मिल गई? मिल गई। क्या कह रही है? नॉर्मल है भाभी जी। नॉर्मल है? हेलो तिवारी जी, आप डॉक्टर साहब, आप यहाँ? विभू, तुम बेहोश हो गए थे। रियली? और आपको पता है भाभी जी का क्या हाल हुआ है? ये मेरी हाल की छोड़िए तिवारी जी। How are you feeling, baby? I'm feeling good. I'm feeling fine. Fine? Yeah. Fine. Yes. लेकिन आप जैसा मुस्टंडा बेहोश कैसे हो गया यार? क्या मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इनसे पूछिए, डॉक्टर साहब से पूछिए ना, ये बताएंगे आपको। नहीं नहीं, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं। मुझे लगता है शायद विभूति भैया के सर पे गैस चढ़ गई थी, जिसकी वजह से बेहोश हो गए। इनको भी गैस हो गई थी? आपको भी गैस है क्या? हाँ, ये थोड़े परेशान से तो थे भैया। ये एक गोली रात में सोने के बाद और एक गोली सुबह जागने के पहले, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक गोली इन्हें भी दे दीजिए ना। इनको तो गोली देने की आदत है। क्या कहा आपने? हमने कहा दीजिए, भाभी जी कह रही है तो कुछ तो दीजिए। गोली तो खत्म हो गई है, एक काम करिए, ये भभूत रखिए, सुबह शाम चाट लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, फीस कितनी हुई? 500 रुपए भाभी जी। अरे तेरी God. God. I don't know. ये क्या कर रहे हैं भैया? अरे ये भाभी जी का नहीं, मेरा पर्सनल गाल है भैया, क्या कर रहे हैं आप? Yes, ये मेरा हाथ जो है ना, मेरे कंट्रोल में नहीं है। Seriously, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरी बात मानिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। I'm really sorry. What are you doing? Don't do this. ये ना मेरा हाथ, ये कंट्रोल में। भाभी जी, केस हाथ से जा रहा है, फिलहाल मैं भी चलता हूँ। अरे 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 अरे, stop it, बेबू। बेबी, मेरा हाथ तक कंट्रोल में नहीं, मैं क्या करूँ, कंट्रोल में नहीं है। Stop. देखिए देखिए ना, मेरा हाथ ना कंट्रोल में नहीं, देखिए क्या कर रहा है। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, जरा चेक कर लीजिए। भाभी जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ये आपको भी हानि पहुंचा सकते हैं।
क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? वो अनु है, अनु है, अनु भाई, अनु है, अनु है। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। ये बात ही नहीं सुन रहा यार, ये मेरे कंट्रोल में नहीं। मैं क्या हो गया? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।